छतरपुर के बड़ा मलेरा में कांग्रेस नेता के होटल में युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल मच गया। यह युवक किसी युवती के साथ होटल में ठहरा था। युवक के परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार सिंह टिंकू चौहान के आयुष होटल में युवती के साथ ठहरे शादीशुदा युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए लगभग 2 घंटे जाम भी लगाया। ग्राम सरौंज निवासी अरविंद सिंह एक युवती के साथ बड़ा मलेरा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राज कुमार सिंह टिंकू चौहान के आयुष होटल के कमरे नंबर 3 में ठहरा था, जहां उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसे राजकुमार सिंह ने अस्पताल भेजा और वहां से भाग खड़ा हुआ। मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी लगते ही टिंकू चौहान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने अस्पताल के बाहर मुख्य सड़क पर जाम लगाया। पुलिस ने मर्म कायम कर युवती के बयान पर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। मेरे चचेरे भाई हैं अरविंद सिंह कमार, जिनका आयुष होटल में मर्डर हुआ है। मर्डर के बाद जब हमको पता चला कि मेरे भाई का मर्डर हो गया है, हम लाए टिंकू चौहान और राजकुमार टिंकू चौहान आयुष होटल का ओनर है, वो यहाँ पर लास्ट छोड़कर मतलब फेंक के ही गए सीधा। वो मेरे को गाँव के लोग थे, दो मित्र थे, उन्होंने बोला कि चौहान ने हमारे भाई की लाश यहाँ पर अगर मर थे, और होटल से फोन भी आया था भाई के नंबर से किसी लड़की का, उसने बोला है कि तुम्हारे भाई का राजकुमार चौहान टिंकू चौहान के आयुष होटल में मर्डर हो गया है। हम लोग जैसे ही दुर्गा विसर्जन में गए तो वहाँ से दौड़ दिया, तब तक कॉल आया कि राजकुमार टिंकू चौहान अस्पताल में तुम्हारे भाई के लाश को फेंक कर चला गया है। जब तक कातिलों को पता नहीं चलेगा, हम घर में पाए बैठे रहेंगे, हम ना कहीं जाएंगे और ना यहाँ से उठेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।